नमस्कार, जी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। माफ करें, जी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय सरकार का सिस्टम कोविड की हैंडलिंग के मद्देनजर फेल हो गया है। देश में बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल मैगजीन लैंसेट ने जिस तरह से भारत की मेडिकल व्यवस्था का खुलासा किया है वो अपने आप में हृदय विदारक है। पूरी दुनिया देख रही है भारत को, 140 करोड़ का देश है, लेकिन 140 करोड़ के देश में अगर आप देखेंगे मेडिकल की क्या हालत है तो 10,000 लोगों में सिर्फ हमारे पास 9 डॉक्टर हैं। हमारे पास इस समय 2,55,000 बेड हैं जिनमें के ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमारे पास सिर्फ 75,000 आईसीयू हैं पूरे देश में और हमारे पास 23,000 वेंटिलेटर्स हैं। अब आप समझिए कि 140 करोड़ के देश की ये स्थिति है और अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 40 लाख के करीब लोग महाराष्ट्र में सिर्फ घर पे अपना इलाज कर रहे हैं। बाकी देश की बात तो छोड़ दीजिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने लिखा है आज नया इंडिया अखबार में कि झांसी के पास ललितपुर से जो गांवों से खबरें आ रही हैं वो बहुत भयानक हैं। पैरासीटामोल की गोली 250 रुपए की बिक गई है। राजस्थान का एक पूरा गांव संक्रमित हो गया है। वहां ना कोई मेडिकल हॉस्पिटल है ना कोई डिस्पेंसरी है, प्रशासन परेशान है। अगर आप देखें जो भी अभी ताजा आंकड़ा आया है आज के अखबारों से जो मैंने पढ़ा है, इस देश के 740 डिस्ट्रिक्ट में से जिलों में से 350 डिस्ट्रिक्ट में से यानी कि 50% हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ही नहीं है। तो सवाल यह है कि भारत का सिस्टम क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, क्या वास्तव में स्थिति इतनी भयानक है या इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन जो सड़कों से, जो गलियों से, जो मोहल्लों से लगातार हमारे बीच में एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं वो हृदय को दहला देने वाली है। हमारे बीच में इसी बहस को चलाने के लिए, इसी पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दिलीप सिंह हैं जो कि आईएएस हैं, पुराने रिटायर हो चुके हैं, हरियाणा में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। हमारे बीच में अभिलाष खांडेकर जी हैं, इंदौर से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रदीप सौरभ हैं हमारे बीच में और हमारे बीच में डॉक्टर जी एस सूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। प्रदीप सौरभ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह से सवाल करूंगा क्योंकि मामला सरकार से है। क्या डॉक्टर साहब, तो ये मुद्दा चल रहा है कि क्या वास्तव में सरकारी सिस्टम जो है, पहले तो हम ये जाने सिस्टम क्या है क्योंकि हर आदमी कह रहा है पूरे देश में कि सिस्टम फेल हो गया है, तो सिस्टम क्या है आप हमको ये बताएं। देखिए, जहां तक कोविड 19 या कोरोना का जिक्र हो रहा है इसे करीब एक या सवा साल के करीब हो गया है देश में। पिछले साल भी पूरा एक साल इसमें गया, लॉकडाउन भी लगे और जो है स्थिति जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में स्थिति खराब हुई, चाहे हम अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें। और उस वक्त ये रहा कि भाई ये जो है इसे हम एपिडेमिक मानते थे, तो इस पहले तो कई दिन तक यही चला कि चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में हो जाएगा, फिर उसके बाद में पता चला कि अमेरिका में भी हो गया, फिर यूरोप में हो गया। और इस बात को समझने में बहुत वक्त लगा कि ये जो है एपिडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है, ये हर जगह। और इसको समझने में जब तक हुआ तो मैं कह सकते हैं कि इसको समझने में देरी हुई, लेकिन ये देरी हमारे देश में ही नहीं हुई, हर जगह पे हुई। और जब तक इस बात की समझ आती तो इसका नंबर जो पिछले फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ, उसको कंटेन करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया और जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड कराए गए और जो भी सरकार कर सकती थी और गैर सरकारी अदारे जो है कर सकते थे उन्होंने किया। और फर्स्ट वेव जो थी उसे काफी हद तक
काबू में किया। यहाँ तक था कि जो मार्च अभी गया है 2 महीने पहले यहाँ था कि इस मार्च में मार्च 2021 में सारी स्थिति देश में दोबारा ठीक हो जाएगी, अर्थव्यवस्था दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ है कि जब मार्च खत्म हुआ अप्रैल जब दोबारा आया है तो एकदम से इस महामारी ने दोबारा किया है, जैसे डिफरेंट वायरस के साथ भी आया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सिस्टम ये है कि करीब 50% मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो सरकार के पास हैं और 50% से ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिल करके अब इसके पीछे लगे हुए किस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया है। मैं समझता हूँ कि हुआ ये है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ आम जब कोई बीमारी ना हो तब भी आम आम अगर दौर चल रहा हो आपस में जाए आपको नहीं मिलता। एम्स जैसे जो हमारे दिल्ली में है वहाँ बताते हैं कि 6-6 महीने की तक की आपकी वेटिंग है, अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर 6 महीने के बाद की वेटिंग आपको देगा। तो हम अगर उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर आम तौर पर भी वैक्सीन मिलने की संभावना ना हो, ठीक है ना, और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था हो और व्यक्ति 1,000 आ जाए और वो 1,000 को भी बेड नहीं चाहिए, वो कहते हैं ऑक्सीजन का बेड चाहिए, ऑक्सीजन का बेड भी नहीं चाहिए, ICU का बेड चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति रातों रात खड़ी हो गई जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। तो मैं समझता हूँ कि अब जो जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं तो काफ़ी महामारी चल रही है, राज्य सरकारें बहुत जोर से काम कर रही हैं, केंद्रीय सरकार बड़ा जोर से काम कर रही है, फंडिंग की गई है, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, वेंटिलेटर भी बाहर से मंगवाए गए हैं, ऑक्सीजन, अब कोई क्या ये सोच सकता था इस देश में कि ऑक्सीजन जैसी चीज़ भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब ऑक्सीजन खत्म हुई हॉस्पिटल से तब ऑक्सीजन भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही, क्योंकि इस बात को कभी परसीव किया ही नहीं गया कि ऐसी स्थिति भी देश में आ सकती है जब ऑक्सीजन भी खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी जो फर्स्ट वेव थी उससे भी हमने निपटा था, सेकेंड वेव से भी हम निपटेंगे। जरूर है कि सेकेंड वेव में हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही और शायद कैजुअलिटी की संख्या बहुत बड़ी। जी अरुणा जी हमारे बीच में है जो फॉर्मर सेक्रेटरी स्टील, अरुणा जी आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दलीप सिंह से पूछ रहा था कि ये सिस्टम जानना चाहता है आदमी, लोग कह रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया है पूरे देश और दुनिया में जो चर्चा है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा सिस्टम क्या चीज है, क्या चीज है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिस्टम वही है जो हम बनाए, कोई नया नियम की जरूरत नहीं है, कोई नए कानून की जरूरत नहीं है। इट इज हमारा रिएक्शन टाइम कितना है, हम रिकॉग्नाइज कितना कर रहे हैं और हम आगे कितना बढ़ रहे हैं, वही सिस्टम है। और हुआ क्या है, अगर आप पूरा इस स्थिति को देखेंगे तो जब हमने कोविड का फर्स्ट वेव हैंडल किया तो बहुत जल्दी हमने सेलिब्रेट किया कि सब नॉर्मल हो गया है। तो इसमें दो गलतियां हुई, एक तो सिटीजन की तरफ से हुई कि वो भी कैजुअल हो गया, मिलने जुलने लग गया सबको, कि मास्क भी नहीं पहन रहा है, बाहर घूम रहा है, भीड़ भड़क के इलाके में भी जा रहा है, धार्मिक फंक्शंस में भी बड़ी तेजी जोर शोर से जाके कर रहा है, और शासन ने भी इस पे कम्प्लीटली बैन या स्ट्रिक्टनेस में ढिलाई बरत दी। तो दोनों का असर ये हो गया कि बहुत तेजी से फैलते हुए हमारा सेकेंड वेव आ गया। अब इसमें ऐसा है कि तैयारी की जहां तक सवाल है तो आज हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। आज हम ऑक्सीजन जैसे स्टील प्लांट्स, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आई सारे स्टील प्लांट्स जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थे वहां से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने की तरफ चल दिए, तो मेडिकल ऑक्सीजन बनाने लग गए। तो अगर मैं बताऊं तो 8,000 टन मेडिकल ऑक्सीजन बन रहा है आज, और उसमें से जरूरत आज हमें सारे बेड 3 लाख रोज के मरीज और पुराने मरीज, मतलब एट अ टाइम हम 14 दिन के मरीज भी देखें, हमको 7,000 टन ऑक्सीजन रोज चाहिए। दिक्कत आ रही है हमारे लॉजिस्टिक्स तुरंत करने में, जो अब काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया और शायद ऑक्सीजन की मारामारी काफी हद तक अब धीरे 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 कम होती जा रही है। दूसरा जो इशू आया वो दवाइयों का सप्लाई भी, हिंदुस्तान सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है आज दवाई का, नॉट अ पर्टिकुलर दवा बट दवा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का। अब वो कैपेसिटी भी हमारी को हमको इस्तेमाल करके तेजी से दवाइयां बनानी चाहिए। तैयारी बहुत जरूरी है, जब क्राइसिस आपके घर में भी आता है तो आप सारे रिसोर्सेज वहां डाइवर्ट करते हो,
सारा बेस्ट मैनेजमेंट वहां डाइवर्ट करते हो। आज उसी की जरूरत है, जो मारामारी आ रही है वो उसी के कारण हो रही है। और डॉक्टर्स का भी प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले एक पर्टिकुलर दवा के बारे में इतनी मारामारी रही, फिर स्टेटमेंट आया कि वो दवा इफेक्टिव नहीं है, तो प्लाज्मा इस्तेमाल के बारे में मारामारी रही, डेस्परेट कॉल्स व्हाट्सएप ग्रुप में आते रहे कि फला ब्लड ग्रुप का चाहिए, पर वो मारामारी की जरूरत नहीं रही। तो मैडम मेरा एक सवाल है कि जैसे ही पहला कोविड लगा तो हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाते ही सारी स्टेट उसके अंडर आ गई। अभी कोविड 2 जिसको बोल रहे हैं, उसमें तो किसी को यही नहीं पता कि एनडीएमए का हाल क्या है, राज्यों को राज्यों के हाल पे छोड़ दिया, राजधानियों यूनियन टेरिटरीज को यूनियन टेरिटरीज के हाल पे छोड़ दिया। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस देश में दिशा निर्देश कैसे देना है? पूरी मशीनरी आपके पास है, 4000 आईएएस ऑफिसर हैं, 3200-3300 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सब लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन सब लोग साउथ ब्लॉक की तरफ देख रहे हैं। ये कैसा माजरा है, ये कैसा मंजर हम लोग देख रहे हैं? मेरी आपत्ति यही है कि सब लोग देख क्यों रहा है। हर जिले का डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान होता है, हर स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान होता है, नेशनल का होता है। नेशनल की जरूरत अब है कि जो लॉजिस्टिक्स है, दवाई की लॉजिस्टिक्स है, वैक्सीन की लॉजिस्टिक्स है, वैक्सीन का प्रिपरेशन है, इसको देखना, और उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और सब जगह पहुंचे, ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई नया नियम या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई घर में मेहमान आता है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मैडम मैडम आप तो नहीं नहीं मैडम आप तो कलेक्टर भी रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश में वो भी रही हैं, ये कैसे संभव है बिना राजनीतिक ताकत के 34 लाख लोग हरिद्वार में स्नान कर ले? किसी कलेक्टर की हिम्मत है कि 34 लाख लोगों को स्नान करने से रोक दे बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के? इसका मतलब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फेलियर है। आप नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अभी दोष ढूंढने से ज्यादा जरूरी यह है कि जिसको काम करना चाहिए उसने रोका नहीं। आप 144 लगाते समय किसी से पूछते हो क्या अगर लॉ एंड ऑर्डर है? अब आपको पता है कि कुंभ में इतनी भीड़ आने वाली है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। जब उज्जैन में कुंभ होता है, आप देखिए कि कितना स्ट्रीमलाइन करा जाता है कि कितने लोग मंदिर में जाएंगे, कितने लोग मंदिर में नहीं जाएंगे। आप स्ट्रीमलाइन करते हो, इसके लिए कोई आपको किसी के कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। और यहाँ गलती हुई है, इसको मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि गलती हुई है। भीड़ को इतना आने दिया गया है और नतीजा हम देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के गांव गांव में आपका कोविड फैल गया है। अगर जो टीचर्स यूनियन का स्टेटमेंट आया है कि 700 टीचर्स मर गए पंचायत की ड्यूटी में, और वो स्टेटमेंट अगर हम ले तो ये वाकई मतलब ये सेल्फ, इसको अंग्रेजी में सेल्फ इंफ्लिक्टेड कहते हैं, सेल्फ इंफ्लिक्टेड जो कहते हैं ना, वो हालत हो गई। हमने आप आपदा बुला ली, आपदा थी बट हमने उसको डायमेंशन को और बढ़ा दिया। तो सिस्टम का सवाल यह है कि हम सिस्टम फेलियर बोल के नहीं कहेंगे, ये जरूरत है। अब जिसको जो करना चाहिए वो करे, ये बहुत जरूरी है। आज हमारे पास ऑक्सीजन है, आज हमारे पास मेडिसिन है, हमको लॉजिस्टिक्स को टाइट करना है, उसको बराबर पहुंचाना है। आज हमारे इसमें ही आइलैंड्स ऑफ सक्सेस है। आज बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे ने अच्छे से मैनेज कर लिया है, आज हमको केरला ने मैनेज कर लिया है, आज हमको बाकी के स्टेट धीरे धीरे, मध्य प्रदेश भी रीजनेबली वेल मैनेज। मैं अरुणा जी आपको बॉम्बे की बात बता रहे हैं, कल कुमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि इकबाल सिंह चहल को मुख्यमंत्री ने बुला करके कहा कि सक्सेस होगी तुम्हारी और फेलियर होगी मेरी, जाके काम करिए। लेकिन ऐसा कहने वाले कितने लोग मुख्यमंत्री है इस समय, ये बताइए। मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है, पर ये कहने की जरूरत है क्या? आप कुर्सी पे बैठे, आपको कोई बताना चाहिए कि आपकी कुर्सी का क्या काम है? आपका जो काम है आपको करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई अपना काम करे, ऊपर ना देखे या नीचे ना देखे, आप अपनी कुर्सी का काम करो, सब तरीके से होगा। कितने डिजास्टर देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुआ, आग भी लगा, कई डिजास्टर्स हुए हैं, बट पीपल हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल। हर समय चम्मच की तरफ मत देखो कि कोई चम्मच से खिलाएगा। तो आप जो सिस्टम की बात करते हो ना, सिस्टम पैरालिसिस की बात हुई थी करीब 7 साल पहले, हम लोग सिस्टम पैरालिसिस की बात कर रहे थे, आज वही स्थिति आ गई है कि हर कोई ऊपर देख रहा है कि कोई मुझे कहे तो मैं 2 कदम चलूं। क्यों? आपका काम है, चलो तो सिस्टम अपने आप वेल ऑइल्ड है, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा।
फेज वन में भी जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेंस अपने हाथ में लिए, तब आप देखिए कि माइग्रेंट लेबर, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका रहना खाना, सब कुछ धीरे 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 स्ट्रीमलाइन होने लग गया था। तो हमको अब वेव तीन की मुझे चिंता इस बात की है कि वेव थ्री की बात कर रहे हैं। वेव टू इतना अनमैनेजेबल हुआ, वेव थ्री अगर हम अभी गलती से नहीं सीखे और टाइटन नहीं किया तो वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल और बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। तो इसलिए हमको इस बारे में सचेत होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो टॉपिक है ना इतना सामयिक है कि अभी अगर हम नहीं चेते तो वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। जी मैं आप ही के स्टेट के अभिलाष खांडेकर जी के पास जा रहा हूँ। खांडेकर साहब आप बताइए, क्योंकि आपको एक बड़ा लंबा अनुभव है राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, लगातार आप सरकार को मॉनिटर भी कर रहे हैं। हर आदमी के मन में ये है कि ये सिस्टम फेल हो गया, आप क्या कहेंगे? सो यू आर राइट मिस्टर त्यागी, आई वुड लाइक टू कन्फाइन मायसेल्फ टू द टॉपिक ऑफ दिस डिबेट वेदर द सिस्टम हैज फेल्ड। सो व्हाट इज द सिस्टम? So I expected Mr. Dilip Singh to throw some light on that. But coming back to the failure or otherwise of the system, I would say that when we joined journalism about 35-40 years ago, we used to be told by people that there is a system in the country which starts from the PM and ends at the DM. That is PM, CM and DM. So that is a line, and that is how the states are run or how the country is run. If we consider that PM, CM, DM system or a system which is working in the health infrastructure domain or in the law and order or hospital management or various other things, as far as pandemic is concerned, we feel and we see that the system has definitely failed because large number of people have died an early unnatural death which could have been prevented. Now, Aruna ji has said about oxygen supply. And Dalip Singh ji had also said very rightly that in January we were thinking that the COVID is over and we can lead a normal life. Was that a right decision at the level of the national policy makers? Aruna ji was saying something about policy paralysis of the UPA government. And those days it was being said that no decisions were being taken and therefore people were suffering. Now today, exactly the same situation we are facing, that most of the states, barring Kerala or maybe one more state, most of the states are facing what? They are facing, first thing, that there are no hospitals in the rural areas. There are no hospitals, government hospitals, in most of the district, on most of the districts in the states like Madhya Pradesh or other. Aruna ji has been the health commissioner in Madhya Pradesh, so she knows that we have got some remote district like Alilashpur, which has been designated by the Niti Aayog as one of the poorest districts of the country. So what do we expect when people are dying? About the maximum number of deaths in Bhopal is being quoted, and I have got official figures, is more than 300 per day in the last month, that is in April, per day. So if, I don't say they are all belonging to Bhopal, but fact remains, such reports are coming from all over. Now, there was a reference to Mr. I.M. Chahal, and there is an interview in Indian Express about which how he has governed Bombay being a municipal commissioner. So if a person can bring about change, which means that he has brought the system under his control and he has delivered the results. And that is what we expected from Delhi, from the Prime Minister's office, from the Chief Minister's offices. And if that has not happened, that has culminated into, or what we are saying is that the system has failed and it has resulted in large number of deaths and plight of the people. So we must distinguish between the political system, between the bureaucratic system, between the other system which are working, but all have come to a knot. And now when the oxygen tankers are being flown in the Air Force planes, and from one place to another, and we say that the earlier governments have not worked, because Aruna ji is also from Madhya Pradesh, I am also from Madhya Pradesh. I know that Bhilai steel plant, I say, just a minute Anil ji, that Bhilai steel plant was started in 1955, and now that plant is today supplying oxygen to as many as... आपका कनेक्शन शायद चला गया है। मैं प्रदीप जी आपके पास आता हूं। प्रदीप जी मुझे ये बताइए कि जो हमने सिस्टम पढ़ा फॉर फाइव स्टेट्स, द पॉइंट इज दैट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनविजनिंग व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज वी हैव फेल्ड जी।
जो हमने अभी तक पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में कि पार्लियामेंट होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है, दैट इज द सिस्टम ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप ये बताती है कि एग्जीक्यूटिव को करना क्या है, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि देश को करना क्या है, सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स बनाता है, तो इसका क्या मतलब है कि सिस्टम नाम की कोई चीज बची नहीं है। अनिल, मैं दो तीन बातों से अपनी बात शुरू करूंगा कि पहले तो हमें देखना है कि सिस्टम ये है क्या। कि अभी दो बहुत सीनियर आईएएस ने अपनी बात कही कि आप पढ़ो सब चीज बढ़ जाएंगी, ये बड़ी आइडियल बात है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैडम ने भी कहा, अरुणा जी ने भी कहा कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। अभी डिबेट में शामिल होने से पहले मैं एक बुजुर्ग पेशेंट के लिए संघर्ष कर रहा था नोएडा में एक ऑक्सीजन का बेड दिलाने के लिए, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। नंबर वन, पहले हमें देखना होगा कि ये जो सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है, कैसे ये काम कर रहा है। कि हमारे यहाँ यूजुअली 1800 वाले पुराने सिस्टम चल रहे हैं जो ब्रिटिश टाइम में, और जो हेल्थ सिस्टम है वो 1940 का है। और इतनी सरकारें आई, कांग्रेस इतने साल रही, जनता पार्टी आई, वाजपेयी जी रहे, मुरारजी देसाई भाई रहे, चंद्रशेखर रहे, और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इतने लोग आए, लेकिन ये 1940 का जो हेल्थ सिस्टम था वो आज तक वैसे का वैसे ही बना है। कहने को हमारी जीडीपी का 30% हेल्थ केयर पे खर्च होता है। 130 करोड़ की आबादी में 30% का जीडीपी वो बिल्कुल पीनट्स की तरह है। दूसरी बात ये कि अब ये भी प्रश्न आ रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि दोनों ही लोगों ने कहा कि ये जो सिस्टम है कोई नहीं, आपने इसका जिक्र भी किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है तो सारी पावर्स जो है वो कांग्रेस के, केंद्र के पास है। आप देखिए ये छोटी छोटी बातों पे, प्रदीप जी अरुणा जी कुछ बोलना चाह रही है। अरुणा जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ नहीं, जीडीपी का 2% भी हम खत कर रहे हैं हेल्थ पे, नॉट 30, ओनली 2%, लेस देन टू परसेंट। जी, बोलिए प्रदीप जी, आप बोलिए। जी, क्षमा कीजिएगा, मैं कोरिया और साउथ ये ताइवान का रिफरेंस जो था 30% का, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। यू आर वेरी मच राइट, 2% वी आर एक्सपेंडिंग ऑन दिस ओनली, एंड 30% ये कोरिया और ताइवान का ये फिगर है। प्रदीप जी, आप भी जो है ना, नहीं, प्रदीप जी आप भी विशेष एक को जा रहे हो। मेरा सवाल ये है कि ये तीन जो हमारे जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं, इसमें कहां गलती हुई? भाई एग्जीक्यूटिव काम करने को तैयार है, अरुणा जी बता रहे हैं, और पार्लियामेंट अब पूरी मदद करने को तैयार है। इसका मतलब पॉलिटिकल लेवल पे चीजें फेल हुई ना, पॉलिटिकल लेवल पे चीजों को परसेप्ट नहीं किया गया। जी एक मिनट प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए इसको। जी आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था, उसी मुद्दे पे आ रहा था इस रिफरेंस के बाद कि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं फेल होगा। कि जब ये मई के शुरुआत में और अप्रैल के एंड में जब जो दूसरी लहर है बहुत तेजी से इस देश में आ रही थी, और पहली लहर जब आई थी तो हम पूरे दुनिया में घोषित कर रहे थे कि हम कोरोना विजेता के तौर पर आए, और हमने कोई भी अपने यहाँ करेक्शन नहीं किया। जैसे कि फ्रांस को ही ले लीजिए और इटली को ले लीजिए, उन्होंने पहले वेव के बाद बहुत सारे मेजर्स अपनाए जिसके कारण सेकेंड वेव में, वो वहां भी खतरनाक है लेकिन सेकेंड वेव में डेथ का जो टूल्स है वो हमारे देश की तुलना में बहुत कम है। आज 4 लाख आदमी प्रतिदिन क्या कहते हैं कि कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश से खबर यही है कि लगभग हर गांव में, अभी तक तो ये था कि एक गांव छोड़कर एक गांव में, लेकिन पूरे गांव में उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना फैल चुका है। अब प्रश्न यही है त्यागी जी कि कौन है इसका जिम्मेदार, जब पूरा पावर का सेंट्रलाइजेशन किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री ने किया है। कल उनका एक मंत्री, मजबूत मंत्री संतोष गंगवार बरेली में वेंटिलेटर्स की ब्लैकमेलिंग और दवाओं के लिए रो रहा था टेलीविजन स्क्रीन के अंदर, ये मंत्री आरोप लगा रहे थे।
जब मंत्री के पावर के पास पावर नहीं है तो डीएम और सीएम की हम क्या बात करें। और जिस तरीके से चुनाव भी पश्चिम बंगाल में हुए, ये देख रहे थे कि उस वेब में जिस समय की देश में पूरी तैयारी करने की जरूरत थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाके आह्लादित हो रहे, 24 दौरे किए हैं, 24 दौरे आह्लादित हो रहे थे कि जिधर देखो उधर भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। तो जो सुबह से शाम तक ये कहते नहीं थकते हैं और मास्क लगा के वो वीडियो मीटिंग्स में आते हैं और वहां पर बिना मास्क जाते हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? यही नहीं, सेंट्रल विस्टा को देख लीजिए, सेंट्रल विस्टा लॉकडाउन से बाहर है। वो मुद्दा नहीं है, नहीं 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 नहीं, मुद्दा ये है, मुद्दा नहीं त्यागी जी, मुद्दा है, सवाल ये है कि जो सेंट्रल विस्टा में पैसे खर्च हो रहे हैं, 400 मेजर हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं टोटल वैक्सीनेशन के लिए। नहीं त्यागी जी मुझे बोलने दीजिए, नहीं नहीं त्यागी जी बोलने दीजिए, 30,000 करोड़ रुपए चाहिए वैक्सीनेशन के लिए और सेंट्रल विस्टा का जो क्या कहते हैं खर्चा है, आप वहां देखिए ब्लास्टिंग हो रही है, आप जाकर तो देखिए, आप निकलिए वहां पर देखिए कि किस तरीके से वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं और उस पूरे लॉकडाउन से दिल्ली से फ्री कर रखा है। तो ये जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप क्या कहते हैं कि क्या बनाना चाहते हैं, एक मकबरा बनाना चाह रहे हैं क्या इस कोरोना का, कि ये सेंट्रल विस्टा है और जिस समय लोग तड़प तड़प के सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन के कारण बेहाल है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, 60,000 रुपए का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और आप तो खुद भी अभी पीछे एक मरीज के लिए परेशान थे, आपने तो खुद ही इस शो में कहा था। तो ये स्थितियां नहीं हुई हैं और ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियोर है, ब्यूरोक्रेटिक फेलियोर है। खैर ब्यूरोक्रेसी के मैं इसलिए एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, सब एक आदमी के पास है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला है। वो चाह रहा है कि सेंट्रल विस्टा बने तो सेंट्रल विस्टा, वो चाहेगा पंचायत चुनाव हो तो पंचायत चुनाव हो, हिंदू वोटों की लालच के लिए हरिद्वार में कुंभ लगे और 1 करोड़ लोग नहाए आए वहां पर, आज देखिए उत्तराखंड में प्रतिदिन कितने आदमी मर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये मैसकेयर है, कत्लेआम है, ये कोई मृत्यु नहीं है, ये कत्लेआम है। मैं डॉक्टर सूद के पास चलता हूँ क्योंकि टाइम कम है। डॉक्टर सूद आप मुझे बताएं, देखिए आपने सब स्पीकर्स को सुना, हम लोग बहस यहाँ ये कर रहे हैं कि आप अगर देखें, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए क्वारंटाइन हो गए G7 की मीटिंग में, आज अभी वीडियो आई है, लोग अभी सब देखेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसको रिलीज कर रही है कि किस तरह से वो मीटिंग में मास्क के बिना बैठे हुए हैं और एक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा है, तो वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है ना, सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप बताएं। त्यागी जी देखिए, आपने शायद निकल कहीं आपके सवाल में ही आपका जवाब भी मुझे मिल रहा था, आप ये कह रहे थे कि बीच में कि कोई सिस्टम था जो फेल हो गया जी। और फिर आपने ये कहा कि आप सिस्टम ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्या कोई सिस्टम था भी, तो मुझे लगा कि मुझे पहले सिस्टम का डिक्शनरी। हेलो जी, आपकी आवाज है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपकी आपके एंड पे गड़बड़ है कुछ, तो मैंने आप ये उचित समझा त्यागी जी कि मुझे पहले सिस्टम का डिक्शनरी मीनिंग देख लेना चाहिए, और जब मैंने डिक्शनरी मीनिंग देखा तो मुझे ये पता चला कि सिस्टम का मतलब होता है रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, और हिंदी में सिर्फ 3 शब्द में इसका मीनिंग था, कुछ करने की विशिष्ट प्रणाली। अब मैं ढूंढने लगा देश में तो मुझे लगा ऐसा तो मेरे देश में कुछ है ही नहीं जिसे हम सिस्टम कह रहे हैं और फेल हो गया। तो पहले तो ये कि कुछ फेल नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं जो फेल होता, नंबर वन। नंबर टू, अरुणा जी ने अभी प्रदीप जी को करेक्ट करते हुए कहा कि हम less than 2% ऑफ अवर GDP अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर खर्च करते हैं। जिस देश में less than 2% पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे खर्च हो रहा हो, अगर वहां एक वरिष्ठ पत्रकार आप जैसा सिस्टम ढूंढने चले तो वो मिलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा वो। नंबर तीन, मैं इस देश में 10 लाख रुपए टैक्स देता हूं हर साल, लेकिन मैंने आज तक कभी ये हिम्मत नहीं की कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लूं। हाँ, एक कंडीशन पे करा सकता हूं, अगर डॉक्टर दिलीप सिंह जी जैसे या आप जैसे कोई वरिष्ठ पत्रकार मेरे लिए फोन कर देगा तो शायद मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मैं इलाज करा पाऊं। मैं हमेशा शुरू से प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गया। चौथी बात, 10% हॉस्पिटल, सिर्फ 10% सरकार द्वारा बनाए गए हैं,
90% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं जो सिर्फ इलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कैटर करते हैं, यानी कि लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन को। इसका मतलब 99% पॉपुलेशन को छोड़ दिया गया है उन 10% हॉस्पिटल्स पर प्रेशर डालने के लिए। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, पेंडेमिक और नो पेंडेमिक, त्यागी जी क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाकर इलाज करा पाए हैं ढंग से? क्या वहां पर ऐसा सिस्टम था, क्या आपको कभी बहुत वेलकम किया गया कि आप आए और यहाँ सुरक्षित हैं? मुझे कभी ऐसी फीलिंग आज तक नहीं आई, हेल्थ और एजुकेशन दोनों के बारे में। और अगर आप किसी भी देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मेजर करते हैं तो वहां पर कितना पैसा एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है उससे उसका मापदंड माना जाता है। नाउ जहां पर मास स्केल पर इलेक्शन रैली हो रही है, सब आपने वो बात कही, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा कि जितनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको बिल्कुल मैच नहीं कर सकता। यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो रातों रात सिस्टम खड़ा हो सकता है, ये बॉम्बे ने प्रूव कर दिया, इकबाल सिंह चहल ने प्रूव कर दिया बीएमसी में। लेकिन क्योंकि देश में केंद्र के पास ऐसी ताकत है, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्टेट्स के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी पावर की बात करता हूं, नोट छापने की पावर। आपने देखा होगा जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ बहुत से देश की सरकारों ने नोट छापे कि देखेंगे बाद में डेफिसिट को, इसको सब चीजों को बाद में हैंडल कर लेंगे, अभी प्रायोरिटी है इस चीज से लड़ना। मैं ये कहता हूं कि पैसा सब चीज की दवा नहीं है, लेकिन पैसे से 80 से 90% चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। उस सरकार ने, हमारी सरकार ने उस तरफ शायद बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इस वक्त पैसा प्रिंट करके सभी राज्य सरकारों को इतना दे दिया जाए कि वो अपने चीजों को खड़ा कर सकें, मैनेज कर सकें और चीजों को, यू नो, सिस्टम को लेट डाउन कर सकें। जहां पर लाइफ ऑफ पीपल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वहां पर आज की डेट में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लीगल ऑब्जेक्टिव्स आज कुछ मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हम ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से भी सुन चुके हैं कि जान है तो जान है, अगर जिंदा बचेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर सिस्टम क्या और सिस्टम किसके लिए काम करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो देश है जहां पर बेहतरीन साइंटिस्ट प्रोड्यूस तो होते हैं, जहां बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस तो होते हैं, लेकिन वो काम किसी और देश के लिए कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे होते। तो ये सिस्टम कहाँ है? आप कहाँ ढूंढ रहे हैं सिस्टम को? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिस्टम कहीं मुझे दिखाई दिया। और एक और बात आपसे मैं करना चाहूंगा, एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इन दिनों में की गई है। आपने आमतौर पर देखा होगा आज हमारे जनमानस का करैक्टर, उनकी मॉरल वैल्यूज, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जिसका जहां दाव लग रहा है वो सब कर रहा है, कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, दवाइयों की, जो चीज की, यहां तक कि अभी पता चला कि कफन की भी, कि कफन भी जो है वो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं और वहां से चुपचाप मुर्दों को उतार कर नए द्वारा उन पे स्टिकर लगा के बेचे जा रहे हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि ऐसा करैक्टर किस देश के नागरिकों का होता है? आपको पता है ऐसा करैक्टर उस देश के नागरिकों का होता है जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार पर कोई भरोसा नहीं होता। आपने दो बातें नोटिस की, एक तो मैंने करैक्टर की बात की, दूसरा आपने नोटिस किया होगा सुपर रिच के बारे में, वो अपने प्राइवेट जेट लेकर पहले ही भागना शुरू हो गए कि भैया इस देश में कुछ उम्मीद मत करो, यहां से भाग लो, जिंदा बचना है तो कहीं और चले जाओ। तो वहां जहां आपको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, त्यागी जी आप क्यों सिस्टम ढूंढने लग रहे हो और क्यों कह रहे हो कि सिस्टम फेल हो गया? मैं आपसे सिर्फ बुनियादी सवाल ये कह रहा हूं कि सिस्टम था ही नहीं। नॉर्मल डेज में भी देखिए हमारे हेल्थ सिस्टम को, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दलीप सिंह जी के पास जाता हूँ। मैं और डॉक्टर साहब दलीप सिंह जी सूद साहब चर्चा कर रहे थे कि हर आदमी इस देश में 100 रुपए रोज की दवाई आज खा रहा है और हम लोग 140 करोड़ है, तो 14,000 करोड़ रुपए की दवाई जो है इस देश में कंज्यूम हो रही है, यानी कि 2.5 बिलियन रुपीज की दवाई। आप इसका वॉल्यूम समझिए, किस तरह की गिद्ध हमारे समाज में है। और आप देखिए पूना वाला सब पैसे लेने के बावजूद लंदन चला जाता है, उसको लंदन कौन जाने देता है? भारत सरकार पूरे पैसे दे चुकी है और वो आदमी कहता है कि मुझे टाइम पे बताया नहीं वैक्सीन बनाने के लिए, और वैक्सीन के 3-3 प्राइसेस हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की एब्रेशन है ना, सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। कौन आदमी 100 रुपए, 150 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए की वैक्सीन बना रहा है?
स्टेट को अलग मिलेगी। हमारी वित्त मंत्री कहती हैं कि हम प्राइस तो डाउन कर सकते हैं लेकिन उनको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। अरे भाई समस्या को तो बाद में देखेंगे ना। तो मैं सिस्टम के एबरेशंस की बात कर रहा हूं दिलीप सिंह जी, आप बताइए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। देखिए जहां तक बजट का संबंध है, मैं समझता हूं कि बजट की कोई कमी नहीं है, ना तो केंद्र सरकार के पास और ना ही राज्य सरकार के पास। तो ये कहना कि जो ये आपने 14,000 करोड़ की जो एक आंकड़ा बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी फिगर हमारे लिए नहीं है। सिस्टम जो है, मैंने पहले भी कहा था कि सिस्टम इसलिए नहीं कर पाया, काम कर पाया कि सिस्टम जो है कोलैप्स नहीं हुआ है, सिस्टम इज अंडर स्ट्रेस। एकदम से इतना स्ट्रेस आया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जिला और स्टेट के ऊपर और केंद्र के ऊपर भी, कि उसके संभलने में वक्त लगा। लेकिन अभी पिछले 5 और 6 दिन में जो इम्प्रूवमेंट हुई है सिस्टम में, वो आप देखना कि बड़ी बहुत ही काबिल तारीफ है। वो भी कि एकदम से सिस्टम है जंप बैक टू द नॉर्मल। और ऑक्सीजन की, जैसे अरुणा जी बता रही है कि ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे पूरी हो रही है। दवाइयां जो हैं, अब दवाइयां तो धीरे धीरे गायब होनी ही थी मार्केट से, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब दवाइयों की स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी, और दवाइयाँ जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बन रही हैं, जो हमारे जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं, सीरम जो है वो हमारे यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, वो बाहर से बन रहे हैं। तो इसलिए जो इसका सिस्टम तो स्ट्रेस पे आया था। तो अदरवाइज हिंदुस्तान में सिस्टम हमेशा से काम करता है। ये वायरस तो अभी आया है, वायरस के अलावा 17 और 17 ऐसे और डिजास्टर हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में मेंशन है। कभी फ्लड आ जाते हैं, कभी पेस्ट अटैक हो जाता है, या कभी कुछ और हो जाता है, तो कभी अर्थक्वेक आ जाता है, वो भी डिजास्टर हैं, उसमें भी हजारों लाखों लोग बर्बाद होते हैं। तो हर जगह पे हमने देखा कि हम उसको हमेशा काबू कर पाए हैं। ये पूरे देश में एक ऐसी आफत फैली जिसको देख के लगा कि सिस्टम क्लैप्स हो गया, बट द सिस्टम है नॉट क्लैप। एंड लेट मी टेल यू, द यंग ऑफिसर्स, चाहे वो आईएएस के हों, पुलिस के हों, या किसी और सर्विस के हों, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दे आर डूइंग ए वेरी एक्सेलेंट जॉब। अपनी जान को दांव पे लगा करके लोग काम कर रहे हैं। तो मैं सकता हूँ कि जल्दी ही आप देखेंगे कि अगले 3-4 दिन में ही या एक हफ्ते के अंदर ही सिस्टम विल कम बैक टू द नॉर्मल। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी यह है कि भविष्य के लिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक कमी मैं जरूर मानता हूँ कि हम लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो वार्निंग दी गई थी, वार्निंग तो सुनी नहीं किसी ने। अगर ICMR को देखें और बाकी डॉक्टर्स को देखें, WHO को देखें, लगातार लैंसेट मैगजीन ने भी लिखा है कि भारत सरकार को तो जनवरी में ही वार्निंग दे दी गई थी। बल्कि मेरे जैसा आदमी जो कि जनवरी फरवरी में पंजाब हरियाणा हिमाचल घूम करके आया, आई इन्फॉर्म द गवर्नमेंट पर्सनली, गवर्नमेंट मीन्स यू नो सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट, आई इन्फॉर्म देम एंड आई टॉक टू देम दैट दिस इज ए बिल्कुल भूचाल आपने सड़कों पे ला दिया है, हर रेस्टोरेंट ढाबे में भीड़ है। पूरा लुधियाना में सर्दियों के दिन गया था मैं, आपको बता नहीं सकता डॉक्टर साहब, जिस तरह से लुधियाना बिल्कुल दिवाली की तरह से खुला हुआ था, तो मैं हैरान था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मौत का तांडव नजर आने वाला है आने वाले दिनों में। तो नहीं, मैं जैसे बताऊं कि जजमेंट में ये गड़बड़ जरूर हुई है कि हमें लगा था कि फर्स्ट वेव जो है खत्म हो गई है और अब सब कुछ ठीक है, ये बात है। लेकिन ये सेकेंड वेव का इतनी तेजी से आएगी, ये बात, इस बात को समझने में थोड़ी देर लग गई। मैं समझता हूँ कि अदरवाइज हमें इस बात को जल्दी समझना चाहिए था, लेकिन अभी बात त्यागी जी समझ में आ गई है। और मैं बताऊँ आपको कि हमारा सिस्टम इज बाउंसिंग बैक, और हमारा सिस्टम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, मैं खुद उसका पार्ट रहा हूँ, मैं बल्कि तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसे हालात में ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, और हमारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं। मैं अरुणा जी के पास आता हूँ। अरुणा जी, ये तो सारा जो चिट्ठा हमने पढ़ा और सारी बातचीत जो हमने, आप अनम्यूट करेंगी माइक प्लीज, अभी तक जो सारा चिट्ठा हमने पढ़ा और सारी जो बात हुई है वो तो शहरों की बात हुई है। ये सारा हाहाकार जो अखबारों में भी आ रहा है शहरों में आ रहा है, लेकिन गांव से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हृदय विदारक हैं, बड़ी पीड़ाजनक हैं। पैरासीटामोल की गोली, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, 250 रुपए की झोला छाप डॉक्टर बेच रहा है, डॉक्टर तो है ही नहीं। तो इस स्थिति से कैसे लड़ेंगे, कहां है गांव में सिस्टम, गांव में तो सिस्टम है ही नहीं। नहीं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न कहा, और जो दिलीप जी ने कहा कि हम थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड हो गए या थोड़ा ढील बरत दी,
और वाकई सिस्टम की अगर हम बात करें तो आज अगर हमारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, आज हम सिलेंडर पहुंचाने लगे तो सम सिस्टम इज वर्किंग बट इट्स नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। मतलब हमको ये कहने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि हम ज्यादा तैयारी से आज जो हम 46% मरीज को हुए हैं उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कैलसनेस भी रहा, जहाँ हमने भीड़ इकट्ठा होने दिया, आपने जैसे लुधियाना की बात की, और उसी तरह दूसरा कैलसनेस हमारा रहा कि हम तैयारी में पूरा नहीं रहे, इसीलिए 25% ऑफ द डेथ आज हिंदुस्तान में हो रहा है। तो गांव की जो स्थिति हुई आप अगर फर्स्ट फेज में देखो तो तैयारी से उन्होंने पंचायत भवन स्कूल में जितने लोग बाहर से आए उनको क्वारंटाइन किया 14 दिन, उनको खाना पीना देती रही पंचायत और उन्होंने गाँव में फैलने नहीं दिया। पर अब जो हम कैलसनेस में जो भीड़ आई आपकी, चाहे वो चुनाव से ही आई हो, चाहे आपके जैसे कि प्रोफेसर सूद ने बिल्कुल सही कहा कि आप एक पानी में डुबकी लगा रहे हो, आप कैसे बचोगे, जहाँ पे अगर एक को भी है तो सबको फैलता ही है, कान में पानी जा रहा है, नाक में पानी जा रहा है, मुंह में पानी जा रहा है, तो इट इज बाउंड टू स्प्रेड। और वो जो अब फैल गया है दैट इज गोइंग टू हिट वेरी बैडली। और जो शहर में मारा मारी हुई है उसमें आपने देखा होगा कि नई नई रोते रहते भी आपको 12 से 24-48 घंटे में बिस्तर मरीज मिला है और कुछ लोग बाहर मरे हैं, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। वी कुड हैव रिड्यूस दिस डेथ्स अगर हम थोड़ी सी तैयारी करते, अंग्रेजी में कहते हैं ना हाफ प्रिपेयर्ड, हाँ प्रिपेयर्डनेस इज हाफ बैटल वन। तो हमको अब इससे सबक लिख के थर्ड वेव की तैयारी करनी है और ये बेवकूफी नहीं करनी है कि बिल्कुल शादी ब्याह भीड़ भड़क का चुनाव, these are not necessary elements at all. अभी तो लड़ाई जो है पूरा फोर्स हमारा होना चाहिए कि कैसे हम इसको रोके और कम से कम डैमेज करें। और राइट टू लाइफ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ कहता है, वेरी वेरी क्लियरली इट सेज कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड गिव बेस्ट। तो फिर चाहे वो, एंड गवर्नमेंट मीन्स ऑल, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स सिस्टम, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर्स। और जो एटीट्यूड की बात कही ना कि हमारे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, शर्म की बात है। मतलब एक तरफ हमारे लोग हैं जो डोनेट कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, बिस्तर बना रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है कि जो उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये सारा जो जो आपका होर्डिंग का एक्ट है और ये सबको बहुत इफेक्टिवली अभी पकड़े भी गए, आपकी दवाइयों में पकड़े भी गए, लेकिन तभी ये सब बाहर निकलने लगी। इसको थोड़ा हमको टाइटन करने की जरूरत है। तो गांव की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, क्योंकि वहां पे टॉप क्लास ट्रीटमेंट देना, हमारे सीजीएस है, बेड है, पर डॉक्टर्स आर स्ट्रेस्ड वहां पे, वहां तक अब हमें ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, वहां तक हमें दवाई पड़ना पड़ेगी। और जहां तक पैरासिटामोल की आपने झोला छाप कही, पैरासिटामोल ऐसी दवाई है जो अक्रॉस काउंटर दी जा सकती है, तो इवन दुकानदार दे सकता है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, पर 250 में क्यों दे रहा है वो बहुत चिंताजनक बात है कि दिस इज क्रिमिनल। मतलब इसके लिए कोई और शब्द नहीं है, दिस इज क्रिमिनल। अभिलाष जी आप बताएं, क्योंकि डॉक्टर दिलीप सिंह कह रहे हैं कि सिस्टम बाउंस बैक कर रहा है, अरुणा जी भी मान रही है सिस्टम बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन यथास्थिति जो है ना, स्थिति भयानक है। नहीं, मैं आपको जो दो ही उदाहरण बताकर मैं दिलीप सिंह जी और अरुणा जी से थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा कि देखिए, 1 मई से पूरे देश में ये घोषणा की गई थी कि 18 से 40 के बीच में जो हमारी जनसंख्या है उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। भोपाल में मैंने दोनों बेटियों के लिए, मेरे वैक्सीनेशन के लिए जो वो पोर्टल है उस पर रजिस्टर किया, कुछ नहीं मिल रहा, कहीं करीब कहीं पर भी नहीं मिल रहा है देश में। सो इजंट दैट फ्रॉम 1st of May पॉपुलेशन अबव 18 इयर्स वुड बी वैक्सीनेटेड, देयर आर नो वैक्सीन्स अवेलेबल, व्हाट डज इट शो? वन। नंबर टू, मेरे एक दोस्त अभी अमेरिका से लौटे हैं, उन्होंने वहां पर फाइजर के जैब लगवाया, ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ US, वो अपने बच्चे के वहां गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ को, दोनों को वहां पर सिस्टम से लग के, वहां पर बहुत बढ़िया सिस्टम है। और भोपाल के हमारे डॉक्टर जी डी अग्रवाल है, उनका 4 दिन पहले फोन आया अमेरिका से कि हमारे यहाँ सब बढ़िया चल रहा है, आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ US बट एवरीथिंग इज फ्री, तो वहां पर मास्क नहीं लगाया जा रहा। सो कहने का मतलब यह है कि यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी GDP की बात कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग जो अमेरिका कर रहा है वो हम शायद नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिचुएशंस थी उसको भी हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? और यदि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो हमने अनाउंस क्यों करना था?
और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल्स और बाकी कालाबाजार आप देख रहे हो, हर स्टेट गवर्नमेंट अनिल जी रोज दिन में दिए 2 या 3 नए ऑर्डर्स निकलते हैं, पहला ऑर्डर खत्म हो जाता है, दूसरा नया लाते हैं, दे आर अनेबल टू नो हाउ टू फाइट इट आउट. सो आई बिलीव दैट आई विल राइट टू कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ ओनली ऑन द टॉपिक वेदर द सिस्टम हैज फेल्ड और नॉट और मे बी हैज इट फेल्ड. सो आई वुड से द सिस्टम हैज डेफिनेटली फेल्ड. इफ इट इज बाउंसिंग बैक इट इज गुड थिंग, बट थिंक ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर पीपल यस्टरडे. एक परिवार के 5-5 लोग मर गए हैं, आप ये समझिए. एग्जैक्टली. हाँ, उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही जो फ्री में मिलती थी ऑक्सीजन, वो मेडिकल ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से कन्वर्ट करने की जो व्यवस्था, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, बट वी डिड नॉट. तो मैंने अभी चैट पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने 27 जनवरी को ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम में कहा पीएम ने कि हमने वी हैव वन ओवर द कोविड इन इंडिया. प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड एट द ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम. आप मीडिया के हिसाब से इंडिया टुडे का लेटेस्ट इश्यू पढ़िए, जो इंडिया टुडे मतलब नरेंद्र मोदी का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नहीं बंद होता था. उस इंडिया टुडे का पहला इश्यू आया है जिसमें उन्होंने सरकार को लंबास किया है, लाशों के फोटो छापे हैं, मुर्दा 10 के 10 पॉइंट में उन्होंने बताया कि सरकार कहां फेल हो गई है. अरुण पुरी ने 2 पेज का एडिटोरियल लिखा है सिस्टम फेलियर पे. ब्यूटीफुल एडिटोरियल. प्रदीप जी आप मुझे बताएं कि सिस्टम तो चला गया, अब ये आदमी जनता का सिस्टम का अपने आप को बचाएगा? क्योंकि अभी जो नजर आ रहा है कि सोसाइटी में खुद से स्वतः स्फूर्त चीजें निकल आई हैं, सिख समाज कर रहा है, संघ के लोग आए हैं, बाकी लोग सड़कों पे आ गए हैं, समाज निकल आया है. सरकार से जैसे डॉक्टर सूद ने कहा कि सरकार से लोगों का विश्वास उठ गया है. त्यागी जी बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा. मैं डॉक्टर दिलीप की बात से अपनी बात शुरू करूंगा. डॉक्टर दिलीप ने कहा कि सिस्टम स्ट्रेस में, मेरा सवाल यह है कि ये जो सिस्टम है अगर है तो क्वेश्चन मार्क के साथ, अगर ये सिस्टम है तो स्ट्रेस में अगर आया तो कैसे आया? और जो सिस्टम है अगर कोई क्राइम करता है, जैसे अरुणा जी कह रही हैं कि अगर वो 250 रुपए की बेच रहा है तो वो क्राइम कर रहा है, और अगर एक आदमी जो इस देश को चला रहा है उसने पूरे सिस्टम को स्ट्रेस में डाल दिया है तो क्या ये क्राइम नहीं है? क्या जो ये लोग बिना ऑक्सीजन और दवाओं के जो सड़क पे तड़प तड़प के मारे जा रहे हैं, ये क्राइम नहीं है? तो इसके लिए कोई सजा नहीं है क्या? ये भी एक सोचना होगा. अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं कि आप देख लीजिए, अगर पीछे भी चले जाएंगे, जब महामारी हिंदुस्तान में आई थी ब्रिटिश टाइम पे, कालरा वगैरह का प्रकोप हुआ था, तो उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाई, लेकिन जनता ने एक जो सामूहिकता है जो हमारे देश की, जो एक सांस्कृतिक पक्ष है, उसने उस मोर्चे को संभाला था और लोगों की सेवा की थी. और ठीक वही देखने को आ रहा है. आप अभी भी देखिए कि रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल आज ही चला है. अभी अभी मुझे खबर मिली जिस पेशेंट के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ नोएडा में, तो मुझे फोन आया है किसी का कि नोएडा के स्टेडियम में ऑक्सीजन का 30 बेड्स वहां पर आपको उपलब्ध हो रहे हैं. ये तो कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट खालसा एड वाले कर रहे हैं, और एक दो नहीं है. और आप देखिए हमारे बगल में गुरुद्वारा है, लोगों को जो लोग भटक रहे थे कारों में बैठा बैठा के उस गुरुद्वारे से ऑक्सीजन के लंगर के तहत ऑक्सीजन उन लोग को दी गई थी. तो ये इस पूरी लड़ाई को सिस्टम अब तो नहीं लड़ पा रहा है. जो सिस्टम को करना है वो सिस्टम करेगा, लेकिन जो लोग हैं उसकी एक बहुत बड़ी पहल हो रही है. आप हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो लोग स्वयं बनाकर उस पूरे क्या कहते हैं तिलस्म के अंदर जा रहे हैं और खाना पहुंचा रहे हैं, दवाओं का भी इंतजाम कर रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है और ये कार्यरत सिस्टम चल रहा है. प्रदीप जी, इंद्रजीत बदवार हमारे बीच में आ गए हैं, फॉर्मर एडिटर इंडिया टुडे और जी वाइल्स के भी संस्थापक एडिटर. इंद्रजीत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. थैंक यू. हम बात कर रहे थे इंद्रजीत, यू हैव अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, यहाँ बात कर रहे थे सिस्टम की जी. कि क्या वास्तव में 140 करोड़ लोगों की गिनती गिनाने वाले लोग, हर भाषण में कहने वाले लोग कि 140 देशों का संविधान का सवाल है, वो संविधान भंग हो गया, कोविड ने तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया उस संविधान को, क्या सिस्टम फेल नहीं हुआ है?
जी हाँ, देखिए मैं इस बात से सहमति रखता हूँ, और मैंने पता नहीं आप मुझे कहीं और रहना था तो मैंने लेट ज्वाइन किया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो असल में मैंने शायद एक मेंशन किया था आपसे, बातचीत हो रही थी आज सुबह, कि जब लानसेट जैसी मैगज़ीन जो है, ये वर्ल्ड की सबसे मशहूर मेडिकल मैगज़ीन है, जो मेडिकल बॉर्डर्स को नहीं पहचानती, मेडिसिन डज नॉट नो एनी बॉर्डर्स, जब लानसेट में चीफ मेन आर्टिकल निकलता है जो कभी पॉलिटिक्स में घुसती तक नहीं है, और इसकी इज्जत पूरी दुनिया में रूस से लेकर चीन तक, जब लानसेट में कुछ निकलता है, पहली बार लानसेट ने इंडिया को हिंट किया है कि ये फेल स्टेट है, कि ये अपनी देखभाल नहीं कर सकते, तो ये आश्चर्यजनक ही नहीं है, परंतु ये एक एक ये बड़ी चुभती है, एक एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मुझे ये दिल में बात चुभती है कि इस तरह से हम लोगों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पूरी दुनिया में, और हमें पाकिस्तान और ये जो अपने ये छोटे छोटे मुल्क हैं, और बांग्लादेश जैसे मुल्क जिसकी हम सहायता करते रहते थे, वो हमें सिखा रहे हैं कि व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। अब आप एक बात सुनिए अनिल जी, मैं ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जब आपने के फेल्ड स्टेट की बात की थी, तो ये जो अब फेल्ड स्टेट की बात, देखिए अब पर्पस क्या होता है स्टेट का, स्टेट क्यों बनता है, जो लोग जो होते हैं, लोग जो जनता जो होती है वो सॉवरेन होती है, इट्स सॉवरेन, वो अपनी सॉवरेनिटी एक सरकार को सरेंडर करती है कि आप हमारे हित में देश को चलाएंगे। जब सरकार, और मैं इस सरकार की नहीं बात कर रहा, ये पुराना ये होता रहा है, स्टेट्स में होता रहा है, सरकारों में होता रहा है, बट इस सरकार में हम कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, जिस सरकार की मैं बहुत मैं तो चाहता हूँ कि इस सरकार सक्सीड करे, मैं ही नहीं चाहता कि कोई भी सरकार फेल हुए, पर मेरे सामने आँखों के सामने फेल हुई जा रही है, क्योंकि सब सरकार समझती है कि वो अपने हित में गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों अपने हित में चला रही है और जनता के हित में नहीं चल रही। अब देखिए, जब इतने करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जब सब कह रहे थे सेकेंड वेव आ रहा है, इतनी सारी गैस सिलेंडर एक्सपोर्ट कर दिए जो हमें ज़रूरत थी, तो ये मिस गवर्नेंस नहीं है तो अब क्या है? चाहे कोई भी कुछ इसके अपॉलोजी करना चाहे, इसमें अपोलोजिस्ट बनना चाहे, वो नहीं कर सकते। ये 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 ये, ये फैक्ट्स हैं, ये आइडियोलॉजी नहीं है। क्योंकि देखिए, और एक तरफ से अगर आप आइडियोलॉजी देखें पार्टी का, तो अरे जी आप भी इसमें बहुत ही माहिर हैं कि देखिए, बीजेपी की और नागपुर की जो आइडियोलॉजी है वो एक अलग सी स्टेटिस्ट आइडियोलॉजी, उनकी तरफ से तो ये फेल स्टेट नहीं है जो वो चाह रहे थे होने के लिए, कि हमारे देखिए हिंदुत्व चल पड़ा है और राम मंदिर में सक्सेसफुल हुए हैं, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो हैं अपने दबाव में लाने के लिए, चाहे वो कोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, वो इनके नीचे आ चुके हैं, हमारे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और एनफोर्समेंट डायरेक्टर तो उनके बिल्कुल ही नीचे है। जब उनकी तरफ से ये फेल स्टेट नहीं है, उनकी तरफ से तो वो जो चाहते हैं, चाहे वो मुद्दे इकोनॉमिक मुद्दे और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों से अलग होके, चाहे वो इन मुद्दों की तरफ बढ़े कि जैसे कि लव जिहाद हो या काउ स्लॉटर हो या ये चीज़ें हो, तो उस तरफ से तो उन्होंने सफलता पाई है, बट उनकी सोच में ये सफलता है, बट लोगों की सोच में सफलता है कि नहीं है, जो हमें अभी बंगाल में देखना को पड़ा है, झारखंड में देखने को पड़ा है, बंगाल बिहार में भी इनकी कोई ऐसी अच्छी स्थिति नहीं थी, और शुरू से दिल्ली में और काफ़ी स्टेट्स में इनकी परसेंटेज इनके कम होते जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो इन्होंने राजनीति और ये तांत्रे जो अपनाए हैं इनने और जो इन्होंने नीतियाँ अपनाई हैं, अगर जनता ये देखती है कि वो जनता के हित में नहीं है, तो जनता फिर वो आप चाहे कुछ भी करिए, आप कितनी आइडियोलॉजी है, एक बार जनता आपसे मुकर जाए तो आपको दूसरी आपको आने का बहुत ही मुश्किल होगा। सेकंड पॉइंट आई वांट टू मेक, मैं लेट आया था सॉरी, कि देखिए आज मैंने शेखर गुप्ता का एक आर्टिकल पढ़ा था, अब शेखर गुप्ता मेरे साथ काम कर चुका है, मेरा पुराना मेरे नीचे काम इंडिया टुडे में जब था, तो बट अच्छा कभी कभी अच्छा लगता है, बट उसने एक किस्सा सुनाया, आप ये सबको सुनने की जरूरत है, आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट जो लपियर डोमिनिक लपियर ने जो किताब लिखी थी जो बैन कर रहे थे, उसमें देखिए ये अनिल जी बिल्कुल ही आपके मुद्दे पे जो आप आज जिसका जिक्र कर रहे हैं विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, कि ये बिल्कुल उस सटीक
एक उन्होंने एक एक किस्सा सुनाया उसमें कि जब 1947 में रायट्स इतनी बुरी तरह से हो रही थी और अब कत्ले आम हो रहा था, तो नेहरू और पटेल दोनों इतने इतने बढ़िया आदमी थे दोनों, वो घबरा गए कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करें। तो वो माउंटबेटन साहब के पास गए, एक अंग्रेज वो जो वाइसरॉय जो थे, और उन्होंने उनसे मीटिंग मांगी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग तो आंदोलनकारी हैं, हम लोग तो जेलों में रहे हैं, गवर्नेंस का हमारे और जी फाइल्स के लिए तो ये खास अच्छी स्टोरी है, क्योंकि हम तो गवर्नेंस से कंसर्न ही हैं, हम गवर्नेंस के बारे में बहुत कम जाते हैं, आप प्लीज़ थोड़े दिन के लिए कंट्रोल में आके इसको प्लीज़ कंट्रोल करिए कि हम नहीं जाते। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे। फिर माउंटबेटन साहब ने कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें तो जूते पड़ेंगे, ये एक गोरे को तो तुम हटा रहे हो, यहाँ से भगा रहे हो, और फिर उसी गोरे को कह रहे हो कि प्लीज़ आप गद्दी पे बैठ जाइए, एक स्पेशल काउंसिल बनाइए, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। बट उनमें इतनी हिम्मत थी कि भाई वो हार गए, वो नहीं कर पाए। अब ये सोचना पड़ेगा कि जब अब यहाँ पर जो काउंसिल्स वगैरह बन रहे हैं, नए एक्सपर्ट काउंसिल, के जो हमारे अब जो सबसे वरिष्ठ नेता और हमारे लीडर्स, हमारे पिताश्री जो भी आप उनको कहिए, हमारे प्रधान सेवक जो भी कुछ कहिए उनको, कि उनमें एक गवर्नेंस के लिए सबकी सुननी पड़ती है। ओवर सेंट्रलाइजेशन इज द डेथ ऑफ गवर्नेंस। उनको अगर ये सोचना चाहिए कि चलो अपना ईगो, अपना अहंकार अगर वो निगल के वो कहें कि भाई जैसे पुराने लोग, बढ़िया लोग मैंने लिए, जैसे वाजपेयी जी ने लिए थे। देखिए वाजपेयी जी ने, आप देखिए गवर्नेंस के लिए कि मेरा स्टेट ना फेल हो, उसके लिए कितने लोगों उन्होंने के कांग्रेस के भी लिए थे। उन्होंने मोंटेक सिंह आलूवालिया को रखा था, उसको तो जानते हैं आप अच्छी तरह से त्यागी जी, और उन्होंने ये रघुराम राजन और ये राकेश मोहन डिप्टी गवर्नर वर्ल्ड बैंक, ये इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक उन्होंने बनाया था, जैसे कि कैनेडी ने बनाया था, जैसे रूजवेल्ट ने बनाया था। इसको कहते हैं असली जो नेता होते हैं कि जब देश के हित में सबको ले, पॉलिटिक्स ना लेके। अब जब तक ये इस नतीजे पे नहीं आएंगे और इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि शायद हमारे बस की बात नहीं है और हमें अब लोग लेने हैं जहाँ से भी हमने लेने हैं एडवाइस के लिए, क्योंकि देखिए देश को बचाया, देश से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना हम, ना आप, और इस वक्त देश बहुत ही संकट में चल रहे थे। आगे जी इस राह में क्या कह सकते हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत। समय खत्म हो रहा है, समय की बाध्यता है, इस विषय पे दोबारा बहस करनी पड़ेगी। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि 57 मिनट हो गए हैं, हम इस बहस को दोबारा चलाएंगे। नहीं, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको ज्वाइन कर सका, क्योंकि एक इस महामारी का विक्टिम एक मेरा सबसे पुराना मित्र, मेरा बचपन का यार पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा, उनकी मौत हो गई थी और वो उन्होंने एक दो आर्टिकल लिखे थे, तभी मैं आ पाया जल्दी। जी जी, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, लेकिन इंद्रजीत बुधवार ने ये कहा है और हम सब लोगों की राय भी है, जो मुझे लगता है कि देश बड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात करने लगे कि टास्क फोर्स बनानी है, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स के हाथों से चीजें निकल रही हैं, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। 140 करोड़ लोगों की जान का सवाल है और सब देशवासियों को जुटना है, सब अपने स्वार्थ, अपने मतभेद छोड़ करके सब जुटे और इस कोरोना से लड़ें और विजयी होकर के आए, ताकि हम लोग कह सकते हैं कि हम भारत के गौरवशाली नागरिक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अगली बहस में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। नमस्कार, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच त्यागी जी।